नंबर एक और नंबर दो इसके ऊपर गोली चला रहा है, मेरे भैया के ऊपर गोली चला रहा है। हाँ, मगर मैं जाना चाहता हूँ तुम हो कौन? वो तो वही बताएंगे कि मैं कौन। कभी कभी ऐसा रूप हमने रामायण में देखा था, मगर आज राकेश पटेल की मंच पे देखा। वो तो रामायण में देखा होगा, कभी कहो महाभारतों में देखा लग रहा, पिक्चरों में देखे हो गया। बड़े यार तुम सीधे साधे लग रहे हो, उल्टा हुआ ही। मगर हो कौन तुम? तुम इन्हें नहीं पहचाना? ये मेरा छोटा भाई है। अच्छा, हम तो सोचे अंगद जामवंत का रूप तो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम पवन कुमार है। पवन कुमार? हाँ, मगर पवन कुमार, तुम तो दो ही भाई हो। पवन कुमार का नाम सुनकर क्यों तू हड़प रहा है? क्या बात है, कुछ जाना पहचाना? वो मेरा सगा भाई नहीं है। ए, हुई ना बात। हाँ, कहना क्या? इधर आओ, इधर आओ, तुम इधर आओ। वैसे मैं तुम्हें पहचान भी रहा हूँ। मुझे पहचान? मुझे पहचानता है तो मैं तो तुम्हें पहचान रहा हूँ। ये आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मगर कहना क्या चाहते हो तुम? मेरा कहने का मतलब है कि काफी दिन पहले तूने किसी के घर को उजाड़ा था। ये तो हमारा काम ही है, जो हमसे बगावत करता है उसका घर उजाड़ देते हैं, उसको मार देते हैं। ये तो हमारा पुराना पेशा है। पेशा रहा, मगर साफ साफ क्यों नहीं बताते? मेरे माता पिता को मारने वाला तो तू ही। अरे तो ऐसे कैसे तुम इल्जाम लगा रहे हो कि हम तुम्हारे माता पिता क्या नाम था? किसी बच्चे को तूने पीछा किया था, वो पहाड़ी पर से गिरा था, याद है? अच्छा, समझ गया। वो पुरानी बात है, पुरानी बात, बहुत पुरानी बात है। एक मोतीलाल किसान रहता था। वो मोतीलाल वहां हमारे यहां से, सही से नाम ले। अरे भैया, हम कहते हैं कि मोतीलाल वहां से तुम्हारी कौन रिश्तेदारी है? भाई है, मुंह न मटाई दे तो। वो मेरे पिताजी थे भाई। अच्छा, तो तुम मोतीलाल किसान के लड़के हो। सुबेदार, तुमसे बोला था कि वक्त आने पे तुमसे बताऊंगा। मेरे बाप मेरे माता को मारने वाला यही शख्स है। क्यों बे साड़ी वाले? मैं तो उसको अंगद समझ रहा था, क्या तुमको जामवंत समझूं? हाँ साले, मेरा साले भालू की नहीं है साले, वैसे हल्का फुल्का लगता है। मगर तुम कहाँ चले गए? कुछ ढीले उले हो कहा भैया? हाँ, क्या ढीले हो? तुम्हारे जैसे साले मैं छुट्टू सांड ढूंढ रहा। अरे नहीं नहीं, बहुत मुस्कान करेंगे, उनको बांध दो ले जाकर खूंटे पे। पहले साले हम तुमको बांधेंगे। कैसे बांधोगे बता दे? तुम साले जो लंडूस बानर के तरीके दिखते। अबे साले चश्मा उतार बे। अभी चेहरा मिलाया जाए तो इसके चेहरे में चेहरे बहुत फर्क है। पहले साले चश्मा उतार उतार। हम कहे का सारे दिखाते हैं, जरा कम कम दिखाते तो क्लियर करते हैं। अबे सुबेदार, तू है क्या बे? तू साले हम कुकुर है का बे? देखो, छोटे लोगों को ऐसे बुलाया जाता है। हाँ। जो अपनी बराबरी के होते हैं आप कह के बुलाया जाता है। सुबेदार है, यह पहचान ले है। सुबेदार? हाँ। कैसे बढ़िया आईठी आईठी मोच रखने लगे तुम। जब से तुहार नीचे में हो गए तब से हमारे ऊपर में हो गया। हाँ, देख रहा हूँ जैसे त्रिशूल खड़ी हो गई है। त्रिशूल के बाद थोड़ा याद तोहका रामानंद वाला भालव देखा है। क्या ले गया हो? क्या ले के बाद थोड़ा है यहाँ कटिया हमारे साढ़ू आई है ना।
जब तोहार साढ़ू ऐसे टहर तहन तोहार साढ़ुवनी वैसे टहर थी लड़िका वहां कहते सब खेलते हैं खेला तहन सब तो हो रही है। अच्छा अब हम जान गए तू केकर खानदान है। कबे साले एक बात ही बता साले क्यों को जान से मारे टोका साले तनको रहम आवत मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगा था जो हमारे साथ इधर उधर की बातें करता है तो हम उसके साथ ऐसा ही करते हैं। अच्छा करते हो ना तो आप देखो हम तुम्हारे साथ में तुम्हारी इज्जत के साथ। अबे क्या एक ऐसा बना है कपड़ा उतार कपड़ा कहीं उतारा जाता है कपड़ा उतार आज तुम मरवाओगे। खाए पिए शरीर ये देख ले पागल हा काबे खाए पिए घर एक शरीर बाड़ी देख के बात करना बेटा नहीं हमें जरूरत नहीं है बाड़ी देखने की। आप बोलवे आप शरीर देख के बात कर रहा जब ठोका जी ना है मोहे की ललका पे कही जा गई तूने भैया की अम्मी को कैसे मारा कैसे मारा हाँ कैसे मारा मतलब हम इनके घर गए थे ये बहुत पुरानी बात है। हमने कहा कि देखो तुम पैसा लाए मेरा पैसा वापस कर दो तो इनका बाप मेरे से गुस्से में बोला कहा कि भाई ठाकुर तू जा जब मेरे पास पैसा होगा मैं वापस कर दूंगा। हमारे गुस्सा लगी अब मेरे हाथ में बंदूक थी और सीधा सीधा तक गई सीने पे सही जब तक गई तो ऊपर चले गए। इनकी माँ दौड़ी तो हमारे गिरेवान पे हाथ लगा दिया और जब हमारे गिरेवान पे कोई हाथ लगाएगा तो हम बर्दाश्त करेंगे। हमने उनकी छुटाई पकड़ा और जोर से धक्का दिया दीवार में जाके टकराई और वो भी भगवान को प्यारी हो गई। ए लौंडा जो है पवनवा इसका नाम है ए आया ए आया उल्टा कूदता हुआ उसके बाद इसके हाथ में पत्थर था और पत्थर से मेरे सर पे मारा मेरा सर फूट गया। मैं गुस्से में इसका पीछा किया कि पहाड़ी पर से कूद गया। मैं तो सोचा कि ये भी मर गया मगर अभी जीवित है। जीवित है हम तो सारे खाए ले रहे सल्फास के गोली तू नहीं मर पाया सारे पागल हा का दवाई खुद ही मर गई। जल्दी न मर पाए जब तक तो सफीक न मरी। असाले हम का सफीक का मर है 29,500 पड़वा राकेश भाई खरीदे हैं तब पड़वा चिल्लाते ही रहा था वो का उम्र है तोहका साले मारे के बहुत। अच्छा अच्छा हम चलते हैं हमारा चाय पीने का वक्त हो गया। ठाकुर तोहरे ठाकुरे के ऐसे मार के लाल कर दिया। बहुत खतरनाक बीमारी होती है बहुत खतरनाक बीमारी होती है जिसके आती है समझ लो कहीं आगे कहीं पानी कहीं बाजा बजता रहता है तो वहीं आ जाती है किनकिना करके आदमी अगर ना जूता सुधाओ तो मर जाता है। तुम बचा हम तुमको बचा लिए अब हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। तू साले हमको जूता सुहाया तुम्हारे वैसे बीमारियां थी सूबेदार करे क्या हम साले हमको मुर्गी आई थी मुर्गी नहीं उसके साथ में एक बकत था मिर्गी कहा जाता है उसे मिर्गी आई तो साले जूता नहीं सुहाना था तुमको प्याज मंगा लिया होता घर मालिक से हाँ। और साले तुम यहाँ कहा हफ्ते का मोजा होता तब सुहाते बोली तो सी हम चल भी नहीं ते हम आ आओ पास से चल बाहर
कैसे हो बेटे तुम? बढ़िया हो? अरे एक नंबर रही। आजकल खूब घी खाता देसी ना? ये हम ना? हाँ। ये देसी घी खाए शरीर ही है। बाड़ी बनाए तो लही है। तब का? लगन आपकी पूरा पार हो जाए ना? पार हो यह भला अप्रैल वही पार हो जाए। अच्छे हो ना? चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो है ये यही क्या हुआ? तो होका बुजरे तुहार जवानी बहुत भगभकान गया। पागल हो गए हो? हम सोचा था कि आज तुहरे जवानी का नशा उतारिन जे। आ तू इस सुधरबू ना इशाला जौन बन बीजू इस बगली खड़ा बसाला। आ एकरे साचे बुजरे तू ऐसो आराम करत रहू पूरे परिवार का नाश कर जाऊ। तोहका बुझाओ बिटुआ हमारे का करे रहे जौन ओकर आंखी फोरे रे। हाँ बिटाऊ तू भबड़ाओ ते का करबे? करे ते घरे के नौकर है नौकर की तरह रहो। नौकर के बाद हाँ। आज हम चोर मनाई बनब। हमार मनाई करे? दुनिया संसार में इतना आदमी हमारे हो गया हाँ और जितना ही होता है उतना तेल लगा के मरा चला जाता है। लेकिन हम मरब ना तहू ना जाबे। हम तब तक ना मरब जब तक अगर ते ना मरबे ना तो जवन मेहरारू मन से दुख साथे ना करे हुई है वह तोहरे साथे हम करब आज। दयाज बुजरव देखा कि के करे साथे का करत। आज या तो तुका मारत मारत हम जहूर के बोकरिन बनाए जे। आया तो तू बिना हमारे साथ से वह करबू जवन के हूं सुबेदार अंदर चलेगा। क्या हुआ चर्राहिन आवता है यार यार ये चर्राहिन का चर्राहिन का महकत बया साला वो का अंदाजा लगाओ। साला बड़ा नोनखाल लागत है यार। आप हो बताओ भैया हो हम एक अन्ना मार काहे भरे हम बाजू आए भाई काहे भरे बताओ क्या एक आया से न मार पाऊ के सुबेरे सुबेरे अपने मोहम मुतवाए भाई। क्या बोल रहा है? हम बाजू आए भाई एका बुजरी कहाँ छोड़ देते हैं गांव में जवान यहाँ गांव को बुढ़वा न है इन्हों को उद्धार हो जाते। चल जरा तू भी चल 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 पहले गलती मान। जब जब सुबेदार तोहका कहे कि बीमारी बहुत खराब होत मारत मारत भी होश हो जाए तो मोह पाए के आदमी चाहे जोन मोह मिटाए दिए जाओ मुझे जा चिर रही ना उधारा यहाँ से मन खराब कर दिया था यार तू एक हमामा धोबे तबो कैसे बसा था जैसे कोलिया बसा मोहम मुतवा के जाता। एक बात बता जी तू ना कहा तू तो बिल्कुल ना कहा सब कहिए मुतवा है यहां मोहम के करे हिम्मत बा के कहे भाई कहो भैया रे देखा मुतवा आएंगे के आ मुझसे जो भूल हुई जो अहंकार में मैंने सिर्फ आपके पिताजी से 5 रुपए के कर्ज खातिर मैं जो आपके ऊपर जुल्म ढाला उसके लिए मैं गुनहगार हूं बेटा। मैं आज आपके माता पिता को तो वापस नहीं कर सकता हूं मगर मैं यही चाहता हूं कि जब तलक मैं जीऊंगा
कोई भी चीज की दिक्कत होगी या कष्ट होगा, मैं हमेशा हमारे हमारा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। मुझे माफ कर दो, आज मैं अपने गुनाहों का परिणाम भोग लिया और समझ गया कि अहंकार बहुत खराब चीज होता है। साथियों दोस्तों, दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमी और बैठी हुई माताएं बहने, जो काम हमने किया और अपने भाइयों से अपने नौजवान साथियों से कहूंगा कि ऐसा काम इस समाज में कोई ना करे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय। ये था हमारे पार्टी के तमाशा, शिवम मोहिनी स्वर संगीत पार्टी का तमाशा, जिसके मालिक राकेश पटेल साहब, मास्टर साहब आपके सामने हरिश्चंद्र डांसर साहब, और डायरेक्टर अभी आपके सामने जो दिनेश भाई साहब खन्ना है की, और मैनेजर मैं रामिलन जौहरी, और जिसके ये मास्टर यानी हरिशन डांसर और पप्पू बाबा यानी तांत्रिक साहब, इन्हें दिमाग लगे इकट्ठा हो गया है गड़बड़ा था। तो इस संगीत खेलने में अगर हम बच्चों से कोई टूटिया हो गई, जिस संगीत का नाम था बेदर्द भाई और सीता जैसी लुगाई उर्फ घर का बना जमाई, अगर इस संगीत खेलने में कोई हम लोगों से टूटिया हो गई हो तो अपना भाई और बेटा समझ करके माफ कर दीजिएगा। एक बार बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की। अब आप सब गाने से हम चले चला।